नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी समस्या जो जिनसे महिलाओं को हमेशा हर महीने दो चार होना पड़ता है और ये समस्या हर महीने उन्हें आती है, वो है महावारी की समस्या। लेकिन इस महावारी की समस्या के साथ कुछ समस्याएं ऐसी आती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हर बार अक्सर महिलाओं में होती ही है। चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो पेट में दर्द हो, चाहे नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन हो, चाहे सफ़ेद पानी की समस्या हो, चाहे मेंसेस आने के पहले का पेन हो, चाहे मेंसेस के दौरान पेन हो, चाहे थकान लग रही हो, चाहे भूख ना लग रही हो, चाहे खाना खाने का बिल्कुल मन ना करे, चाहे मुंह में छाले क्यों ना हो जाए, चाहे सिर दर्द हो, चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे पिंडलियों में दर्द हो, काफ मसल्स में पेन, चाहे पैर की मांसपेशियों में खिंचाव हो, चाहे जांग की मांसपेशियों में खिंचाव हो थाइस में, चाहे हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हो, चाहे इन छोटी छोटी जो बोन्स के जो जॉइंट हैं उसमें दर्द हो, चाहे मुंह में छाले हो, चाहे आँख से आंसू आए, चाहे आँख के आजू बाजू खुजली हो, और चाहे इस पोर्शन में दर्द हो, हेडेक, टेम्पोरल हेडेक हो, चाहे चक्कर आता हो, चाहे थकान लगती हो, चाहे बेचैनी लगती हो, चाहे सिर में भारीपन लगता हो, चाहे मूड फ्रेश न लगता हो, चाहे तनाव तनाव लगता है, चाहे नींद बेकार जाए, चाहे इरिटेशन या चिड़चिड़ापन लग जाए, ये सारे लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिससे हर महिला को तकलीफ होती है। और मैं बताने जा रहा हूँ केवल दो मेडिसिन, वो दो दवाइयाँ, वो दो ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको आपको रेगुलर रखना है ताकि आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ हो ही ना। कुछ दिन से लेके कुछ महीनों, एक से दो महीने तक आप इसको रखिए और उसके बाद कई महीनों तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नोट कीजिए दवाई का नाम। पहली दवा है सिरप मेंसोएड। मेंसोएड सिरप 10 ml मॉर्निंग, 10 ml इवनिंग, खाली पेट में एक ढक्कन से दो ढक्कन शाम कंटिन्यू रखिए इसको यदि आपको इस तरह की कोई भी समस्या आती है। और दूसरी दवाई है सिरप होम्योविट, एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम कंटिन्यू रखिए। ये दवाई उनको नहीं देनी है जो सिरप होम्योविट जो शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हों तो उसमें उसे होम्योविट नहीं दिया जाता, उसे अल्फाबेटिक फोर्ड दिया जाता है जो शुगर के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये दो दवाइयाँ, पहली जो दवाई है वो है सिरप मेंसोएड एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम और सिरप होम्योविट एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम, आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए और फिर देखिए अगले महीने मेंसेस भी ठीक आएगा, किसी तरह का कोई चिड़चिड़ापन आपको महसूस नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, इरिटेशन, पेट दर्द, गैस बनना, टकारे, कमजोरी, थकान, सिर में दर्द, इधर टेम्पल पे पेन, वर्टेक्स में पेन, फ्रंटल हेडेक, थाइस में पेन, पैर खिंचाना। एक और दवा आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, ये मैकफॉस 3X आप ले आए ताकि पैरों में खिंचाव, हाथ पैर में खिंचाव, हाथ पैर में दर्द, किसी भी तरह का कोई दर्द हो वो बैठ जाए। आशा है आपको ये छोटा सा 3.5-4 मिनट वाला वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। हम छोटे छोटे टिप्स वाले वीडियो बनाते हैं ताकि बहुत लंबा टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन होता है। मैं बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज नहीं बताता, मैं एकदम थ्रू आउट स्ट्राइकिंग पॉइंट पे जो जरूरी पॉइंट है वो कवर करता हूँ, तो इसको कवर करिए। और इसके साथ आप हमारा जो अनियमित महावारी वाला है वो वीडियो जरूर देखिएगा, कमजोरी वाला वीडियो, तो आप उसको जब कोरिलेट करोगे तो समझ में आएगा कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ बताई, कौन कौन सी वहाँ बताई, कब बताई है। तो इसे थोड़ा सा एक बार देखिएगा और समझिएगा और समझ के आप मेडिसिन ले सकते हैं। चाहें तो आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।